किसान भाइयों, इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी, ऐसी एक बात बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम देगी गाय भैंस खरीदते समय। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास वाली घंटी जरूर से दबाइए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3 से 4 महीने पहले एक वीडियो बनाकर कि हम कुछ गाय लाए थे गुजरात से, जिसमें से 2 गाभिन गाय थी और 1 बछड़ी थी, जिसमें से 1 जो गाभिन गाय थी उसने अभी हमारे डेयरी फार्म पर बछड़ा दिया है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो गाय बता देता हूँ कि वो गाय कौन सी है और उसके साथ क्या हुआ है, तो वो जानकारी पूरी आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए आप आइए, मैं आपको वो गाय दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो गाय जा रही है यहाँ पर, ये वाली हमारी गाय थी जो कि आप देख रहे हो। गाय आप इसका एक बार अडर देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, अडर काफ़ी बढ़िया है, गाय भी बहुत अच्छी स्ट्रक्चर में है, ऊंची भी काफ़ी इसकी हाइट है, पर दूध 2 से 4 लीटर दूध एक टाइम का अभी के टाइम पर ये दे रही। बाकी आप अगर आप अडर से देखोगे तो 8 से 10 लीटर आराम से आपको ऐसे लगेगा हाँ ये गाय दे देगी, पर अभी के टाइम पर ये 2 से 4 लीटर दूध के बीच में ही दूध दे रही है और उसके बाद इतनी परेशान कर रही है। तो इस वीडियो से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप गिर गाय खरीदें तो एक बात हमेशा याद रखें कि अभी कोई नई गिर गाय खरीद रहे हैं और अभी तक आपने कोई भी गाय नहीं खरीदी इसके पहले, तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि आप गाभिन गाय जितनी कम हो सके उतनी लाएं, क्योंकि अगर आप गाभिन गाय लाएंगे सबसे पहले आपको उस गाय की मिल्किंग कैपेसिटी पता नहीं चलेगी। जिससे आप खरीदोगे, डीलर तो बोल देगा कि भाई ये 8 से 10 लीटर दूध देती है, पर जब आपके फार्म पर आएगी, आपके घर पर आएगी, उसके बाद ये दूध देगी 2 से 4 लीटर, तो ये दिक्कत होगी अगर आप गाभिन गाय लाएंगे। उसके बाद भी आपको उस गाय की जो थनों की क्वालिटी है वो नहीं पता चलेगी, क्योंकि गाभिन गाय में थनों की क्वालिटी हमें पता नहीं चलती है, अडर की भी क्वालिटी पता नहीं चलती क्योंकि अडर काफ़ी बड़ा रहता है अगर गाय गाभिन है तो। और उसके बाद जो इस गाय का ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा वो भी काफ़ी एक हेवी टाइप दिखेगा। और किसान भाइयों, हमारी जो गाय है अभी के टाइम पर हम इसका जो दूध निकाल रहे हो, पेंट्रियोस SH नाम का जो ट्यूब आता है उसकी मदद से हम इसका जो दूध है वो निकाल रहे हैं। इसके थनों में हम वो जो ट्यूब की नली आती है वो डालकर दूध इसका निकाल रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम आ रही क्योंकि ये लात बहुत ज़्यादा मार रही है, हम तो इसे ठीक कर लेंगे, पर अगर आप शुरुआत में अगर अपने घर पर पहली बार अगर कोई गाय ला रहे हो और अगर वही अगर ऐसी दिक्कत करने लग जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आगे के टाइम पर। तो ये बात आप ज़रूर से याद रखें और तभी कोई भी गाभिन गाय लाए। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से करिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।